गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक क्लास वन। क्लास वन, मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में आ की मात्रा के शब्दों को पढ़ाया था। जैसे कि आप लोग को मैं दिखा देती हूँ, देखिए मैंने आप लोग को ये पढ़ा दिया था और इसको मैंने पढ़ करके पूरा समझा भी दिया था। और अब नेक्स्ट में देखिए लिखा है बड़ी ई, बड़ी ई की जो ये मात्राएं का शब्द है वो आज आप लोग को पढ़ के बताऊंगी। और ये कविता है और ये प्रॉब्लम है, मैं आप लोग को ये पूरा सॉल्व करके बताऊंगी। मगर देखिए, जैसे कि हम लोग आ की मात्रा लास्ट टाइम में पढ़े हैं, तो उसके बाद सीक्वेंस से अगर हम लोग मात्राएं पढ़ें तो बड़ा ई के बाद आना चाहिए था छोटा ई, किंतु आप लोग के बुक में यहाँ पर दिया है बड़ी ई की मात्रा, उसके बाद दिया है बड़ा। तो कोई नहीं, जो छोटा छोटा वाला मात्रा है आप लोग का इधर बैक साइड में दिया है, मैंने आगे देखा है। तो मैं आप लोग को इस बुक के अकॉर्डिंग ही मात्रा पढ़ा देती हूँ और आप लोग को इसको मैं समझा देती हूँ। तो मैं आप लोग को, देखिए सबसे पहले ये जो वर्ड है, जितने भी बड़ा ही क्या, ये जो शब्द है यहाँ पर बोर्ड में लिखा, मैं लिखती हूँ पूरा, मैं आप लोग को ये पढ़ के पूरा बता दूँगी कि कैसे पढ़ना है। और लिखा है आओ गाय, तो मैंने भी यहाँ पे लिख दिया है आओ गाय, और एक कविता भी मैंने लिख दी है। फिर यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पर पूरा ये लड़की बैठी है, ये लड़की जो है ये लकड़ी के टुकड़े पे बैठी है, यहाँ पे मैंने बना दिया है वैसा ही थोड़ा समथिंग। और ये पेड़ है और ये ककड़ी है, और ककड़ी में यहाँ पे देखिए मकड़ी, मकड़ी का जाला है और इसमें मकड़ी है। तो मैंने भी यहाँ पे पेड़ बना दिया है, मकड़ी का जाला बना दिया, और ये मकड़ी है और ये ककड़ी है। तो इसी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोग का ये पोयम बना हुआ है। तो मैं आप लोग को ये पढ़ के बता देती हूँ और समझा देती हूँ। और सबसे पहले हम लोग पहले मात्रा भी पढ़ लेते हैं। देखिए पार्ट ए, बड़ा ई की मात्रा, पढ़िए। तो देखिए, अगर बड़ी की मात्रा आप लोग को पढ़ना है तो बड़ी की मात्रा थोड़ा खींच करके पढ़ा जाता है। अगर जल्दी पढ़ेंगे तो छोटी की मात्रा रहेगी, और खींच करके थोड़ा पढ़ेंगे तो बड़ी की मात्रा रहेगी। इससे आप लोग को जब लिखेंगे तो आप लोग को लिखने में भी हेल्प हो जाएगी कि बड़ी की मात्रा लगेगी छोटी की मात्रा। तो इसको जैसे मैं पढ़ रही हूँ वैसे प्लीज़ आप लोग भी पढ़ें अगर ये वीडियो देख रहे हैं। तो देखिए ई, ये बड़ा ई, ख ई, ग ग में बड़ी की मात्रा, गी त गीत, घ ड में बड़ी की मात्रा, ड़ी घड़ी, ब ब में बड़ी की मात्रा, बीज बीज, म म में बड़ी की मात्रा, मी ठ ठ में बड़ी की मात्रा, ठी मीठी, स स में बड़ी की मात्रा, सी ट में बड़ी की मात्रा, टी सीटी, ब क र में बड़ी की मात्रा, री बकरी। और ये देखिए, ये स कौन सा वाला श है, ये सलजम वाला है। तो इसको हम लोग को कैसे पढ़ना रहता है, थोड़ा सा इसका जब उच्चारण करते हैं तो थोड़ा सीटी टाइप आता है, श, देखिए श, ओके। तो इसको पढ़ेंगे हम लोग श में बड़ी की मात्रा, शी सी त सीत, म छ ल में बड़ी की मात्रा, ली मछली, ग ठ र में बड़ी की मात्रा, री गठरी। ये हो गया आप लोग बड़ी की मात्रा के शब्द। अब आइए मैं नीचे बता देती हूँ आओ गाय। जैसे कि मैंने आप लोग बताया गया है, लकड़ी पर एक बैठी लड़की, लकड़ी है उस पर बैठी एक लड़की, ओके। हाथ में उसने पकड़ी ककड़ी, उसके हाथ में एक ककड़ी थी, उसने पकड़ के रखा था, हाथ में उसने पकड़ी ककड़ी, पास ही उसने देखी मकड़ी। वो लड़की है जो लकड़ी के टुकड़े पे बैठी थी, वो पेड़ के पास ही बैठी थी, और पेड़ पर उसने देख लिया क्या, मकड़ी का जाला लगा हुआ, मकड़ी को देख लिया, पास ही उसने देखी मकड़ी, डरकर उसने फेंकी ककड़ी।
वो डर गई और डर के मारे जो उसने ककड़ी पकड़ा था, ककड़ी रहता है एक फल है जो लंबा रहता है, लाइट ग्रीन टाइप से रहता है, वो है ककड़ी खाने का, तो उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। मगर मकड़ी को देखा पेड़ पर तो वो डर के मारे क्या हो गए, उस ककड़ी को फेंक दिया। क्या कर दिया? फेंक दिया। तो आप लोगों को समझ में आया, लड़की लकड़ी पर एक बैठी लड़की, हाथ में उसने पकड़ी ककड़ी, पास से उसने देखी मकड़ी, डर कर उसने फेंक दी ककड़ी, और डर कर क्या कर दी, ककड़ी को फेंक दी। तो देखिए मैंने आप लोगों को ये पढ़ना बता दिया बड़ी की मात्रा, और कविता को भी मैंने समझा दिया कि ये क्या है, चित्र के अकॉर्डिंग ये क्या कहना चाह रहा है, और इसमें लिखा भी था उसको मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आइए उसके नीचे का प्रॉब्लम को देख लेते हैं। आओ करें, नीचे दिए गए शब्दों के दोनों अक्षरों में बड़ा ई मात्रा बड़ी की देखो लगा हुआ है, जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो दोनों अक्षरों में बड़ी की मात्रा आप लोग को लगाना होगा, ओके। तो देखिए जैसे लगा हुआ है आप लोग को दिख रहा है ये रेड कलर से जो मात्रा लगा है, बड़ी की मात्रा लगा है दोनों अक्षरों में, वैसे ही इधर भी लगाना है, पर ल दिया है तो आप लोग इसमें लगाइए प में बड़ी की मात्रा, प में बड़ी की मात्रा पी, ल में बड़ी की मात्रा ली पीली, ग में बड़ी की मात्रा गी, ल में बड़ी की मात्रा ली गीली, त में बड़ी की मात्रा ती, ल में बड़ी की मात्रा ली तीली, स में बड़ी की मात्रा सी, ट में बड़ी की मात्रा टी सीटी, च ल में बड़ी की मात्रा ली, च में बड़ी की मात्रा ची लीची। तो इस तरीके से आप लोग दोनों अक्षरों में बड़ी की मात्रा लगा लीजिए और एक नए नए वर्ड बन जाएंगे। तो आई होप सो कि आप लोग को ये बड़ी की मात्रा का सब पूरा समझ में आ गया होगा। तो आगे का जो मात्रा है मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। ओके, गुड बाय, थैंक यू।